21.4 विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण भारत सरकार चीनी खिलौनों पर आयात कर लगा देती है तब क्या होगा इससे यह होगा कि जो भारतीय कंपनियां इन खिलौनों का आयात करना चाहती हैं उन्हें इन पर टैक्स देना होगा इसके कारण उपभोक्ताओं को चीनी खिलौने की खरीद पर अधिक कीमतें चुकानी पड़ेंगी अर्थात भारत के बाजारों में अब चीनी खिलौने महंगे हो जाएंगे जिससे उपभोक्ता उन्हें खरीद पाने में असमर्थ हो जाएंगे और आयात स्वतः कम हो जाएगा इसका लाभ भारतीय खिलौना निर्माताओं को होगा क्योंकि अब वे अधिक मात्रा में सामान बेच पाएंगे आयात पर लगाया जाने वाला कर व्यापार के मार्ग में एक अवरोधक है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है प्राय सरकारें इस अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने हेतु करती हैं अतः विदेशी व्यापार व निवेश पर अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया को हटाने से आयात निर्यात सुगम हुआ कई क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को न केवल निवेश की अनुमति मिली बल्कि उन्हें कई तरह से प्रोत्साहन भी मिले परिणामस्वरूप अब विदेशी कंपनियां भी भारत में अपने कार्यालय व उत्पादन की इकाई स्थापित कर सकती थी सरकार द्वारा अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है इससे उत्पादकों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिलती है सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है